चलिए गाइस आगे दिखाते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा WAG9 HC सीरीज का ये जो लोको है, इसमें दो कैब होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। और ये देख लीजिए कोको सीरीज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज की ब्लॉग होने वाली है आप लोगों के लिए खास। मैं हूँ अपने रेलवे लोको शॉप में और हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं WAG9 का HC सीरीज का जो है ये लोको बनकर तैयार हो रहा है। तो आज इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी पावर क्षमता क्या है, इसकी जनरेटिंग क्या है, कितने स्पीडिंग है इसकी, तो हम पूरी बात करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में और आप लोगों को पूरा बकायदा हम पूरी जानकारी देंगे। तो गाइस जो यह है WAG9 HC सीरीज का इंजन है, जो यह गुड्स मतलब कि माल गाड़ी में भी प्रयोग किया जाता है और फिर इसको पैसेंजर के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसकी जो है हार्स पावर की बात करें तो हार्स पावर जो इसकी क्षमता होती है इसकी 6000 हार्स पावर है। HC सीरीज का जो HH सीरीज का है इसका 9000 हार्स पावर का है। तो ये बहुत ही काफ़ी कैपेसिटिव क्षमता का है। इसमें जो है जो इसकी मेकिंग की हम बात कर लें तो जो ये बनकर तैयार होता है इसमें क्या बोलते हैं, दो बोगी होती है, जो दो बोगी है एक पी बोर्ड के माध्यम से दोनों बोगियों को ज्वाइंट किया जाता है। तो इसमें इसकी हो गया। और ट्रैक्शन मोटर की बात करें तो इसमें 6 ट्रैक्शन मोटर लगते हैं जो रैक और पिनियन के माध्यम से इसको व्हील को कनेक्टिंग किए होते हैं। इसकी स्पीडिंग करने के लिए जितना भी स्पीडिंग होता है उसी के माध्यम से ट्रैक्शन मोटर के माध्यम से चलता है। और आपको बताएंगे कि इसकी जो खासियत मेन है या दोनों में, जैसे कि पैसेंजर हो गया और फिर गुड्स में हो गया, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बाकायदा देख रहे होंगे पीछे। और यह कोको सीरीज का है भाई, कोको सीरीज का है जो इसमें 12 व्हील लगे होते हैं, तीन तीन जो है पैरेलल में लगे होते हैं एक ही साइड साइड, तो टोटल 12 पहिए होते हैं और 6 ट्रैक्शन मोटर के माध्यम से चलता है। इसमें नोच होता है भाई, नोच से ही इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, जो स्टिलेटर आप बोलते हैं या फिर गियर बोलते हैं वही काम नोच करता है। उसको एक भाषा होता है मास्टर कंट्रोलर, तो मास्टर कंट्रोलर के माध्यम से भी हम इसकी स्पीडिंग करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो पूरा इसका बैकअप देते हैं कैसे चलना है कब करना है। तो ये हो गया इसका पूरा ये सेटअप हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी अभी आगे चल रहे हैं, आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं इसको, तो आप लोग देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को देखने में। तो चलिए दिखाते हैं। इंडियन रेलवे का जो है ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी लाइफ लाइन है भाई, जो है पूरी इंडियन की धड़कन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको पास। चलिए गाइस आगे दिखाते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा WAG9 HC सीरीज का ये जो लोको है, इसमें दो कैब होते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। और ये देख लीजिए कोको सीरीज का इंजन है जो आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा इसका पहिया, इसको जब तीन एक ही साथ में रहें तो इसको कोको सीरीज बोलते हैं। और इसी के जस्ट बगल में जो है ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ है। और ये हम बता दें ये जो इसका काम है, ये सेंडिंग बॉक्स है। सेंडिंग बॉक्स जो होता है या पहाड़ों पे जो चढ़ने के लिए होता है, जो पहाड़ी पे चढ़ रही है लोगों, तो उसको के लिए कि पीछे ना भागे इसीलिए सेंडिंग बॉक्स लगाए जाते हैं। ये देखिए पहिए पे, इसमें सेंडिंग का मतलब बालू हो गया, इसमें बालू रख दिया जाता है, फिर जैसे ही कि फिसलन ना हो तो उसके नीचे चक्का गिराते रहते हैं फिर चलता रहता है। इसका मोटर हो गया आप लोग देख रहे हैं, और ये होगा बहुत बड़ा वाला ट्रांसफार्मर, काफ़ी बड़े बड़े पावर के क्षमता के लगाए। और इसमें बैटरी, इसके हो गई बैटरी बॉक्स, जो बैटरी बॉक्स होती है जो कहते हैं ना कि क्या भाई हम लोगों को कभी बंद नहीं कर सकते हैं, तो पूर्णतः भाई लोगों को बंद भी किया जा सकता है, इसको बंद करके फिर से चालू भी किया जाता है, लेकिन इसको चार्जिंग के लिए व्यवस्था नहीं रहती है इसीलिए इसको बंद नहीं करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर चार्जिंग की व्यवस्था होती है तो लोगों को बंद भी कर दिया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी पूरा देख लीजिए आप लोग वायरी इसका क्या है। WAG9 HC सीरीज का काफ़ी अच्छा लोको मॉडल है।